तो हम क्या करेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या लेंगे, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, तो उसकी वजह से क्रोमियम पे क्या आएगा, +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, -1 इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, +1। हम इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, इधर +1, इधर माइनस, वो सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ऑक्सीजन पे -1 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है तो -1 और इस पे +1, ऐसे इधर भी -1 और इधर +1। और अभी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 और इस पे क्या आ जाएगा, +2। अब क्रोमियम पे जितने भी चार्ज की वैल्यूज आई है वो सारी वैल्यूज को आपको ऐड करना है, सारी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड। मतलब आपको ऐड करना है 2 +1 +1 +1 +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 6। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आई है। बोलो बच्चों आप सबका भी यही है, यस सर। ओके। अब दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड OH, इधर सिंगल बॉन्ड O OH। तो ये H2SO5 है और इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब नाम तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप सभी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। बताओ